B11 Lite गेमिंग रिव्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। एमोलेड डिस्प्ले के अलावा 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 240Hz टच सैम्पलिंग रेट, HDR10 और DCI-P3 जैसे फीचर्स आपको इसमें मिलता है। तो कलरफुल, काफ़ी ब्राइट और स्मूथ डिस्प्ले आपको मिलेगा। तो गेमिंग के लिहाज से ये फ़ोन लाइट है या फिर हैवी यूजर्स के लिए, वो आगे चल के हम बात करने वाले हैं। BGMI का यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं ग्राफिक्स वगैरह की सेटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग मिलती है वो HD हाई पे है, लेकिन ग्राफिक अगर स्मूथ या बैलेंस पे सेलेक्ट करते हो तो आप अल्ट्रा फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स 40 FPS आपको इसमें मिलने वाला है, लेकिन FPS के ज़्यादा भी इसमें मिलेगा। आगे चल के आपको मैं FPS मीटर की वजह से शो करूँगा क्या कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो 90Hz रिफ्रेश रेट वाला है उसका कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ऑडियो सेटिंग यहाँ पे एक चीज़ की कमी है कि आप अल्ट्रा पे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ और, आपको इसमें 3.5mm का अपना सबसे प्यारा ऑडियो जैक नहीं मिलता। आप जो अपना नॉर्मल ईयरफोन है उसको लगाने के लिए आपको इसमें बहुत से कनेक्टर मिलता है, टाइप सी टू 3.5mm वाला, तो वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। टीम मैच, लेट्स गो। फर्स्ट पॉइंट फॉर द रेड टीम। Clear! Enemy down! The blue team is unstoppable! Dead! No mercy! Expired! No mercy! Team is about to win. Dead. Nice shot. Expired. Clear. फ्रेंड्स, यहाँ पे TDM मैंने प्ले किया और TDM प्ले करने के बाद मैं बताऊँ तो स्मूथनेस लेवल काफ़ी अच्छा है। मतलब इतना नहीं है कि आपको जो 40 FPS है उसके बाद में भी स्मूथनेस काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि 90Hz रिफ्रेश रेट वाला आपको डिस्प्ले मिलता है। तो आगे चल के मैं आपको FPS भी शो करूँगा। फर्स्ट इंप्रेशन में TDM खेलने के बाद मुझे ये ठीक लगा। एवरेज हम बोल सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन स्मूथनेस अच्छी है, ग्राफिक्स वगैरह भी अच्छी है। FPS यहाँ पे चेक करा देता हूँ आपको, आगे चल के डिटेल में इसका रिव्यू दूंगा। उससे पहले वीडियो को स्किप मत करिएगा। FPS यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, 40-50 के आसपास भी यहाँ पे जाएगा। आगे चल के आपको और दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे आप देख लेना, कंटिन्यू ऑब्जर्व करिए। FPS यहाँ पे जो है वो आपको कई बार ज़्यादा भी मिल रहा है। मे भी हो सकता है यहाँ पे जो आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट है, तो आपका जो आप फ्रेम है वो ज़्यादा अच्छे से रेंडर हो रहा हो, तो उस वजह से। अदरवाइज आपको 40 FPS तो यहाँ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट है सेलेक्ट किया है, तो वो तो मिलने ही वाला है। तो देखते हैं एक बार इरेंगल का एक छोटा सा क्लिप प्ले करके।
फ्रेंड्स, इस बंदे ने लास्ट में कहां से आके कूदा मुझे साउंड नहीं आया, पता नहीं चला, तो मैं जल्दी मर गया। लेकिन यहां पे बात करूंगा इसके परफॉर्मेंस के। फाइनली स्मूथनेस ठीक है, क्योंकि 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी है, एमोलेड डिस्प्ले है, तो ग्राफिक्स वगैरह कलर वगैरह सब कुछ आपको अच्छे मिलने वाले हैं। FPS आप यहां पे चेक करते रहिएगा, 40 FPS का सेटिंग आपको मिलता है, जो अल्ट्रा पर अपने सेलेक्ट किए थे उससे ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन गेम में थोड़ा स्मूथनेस अच्छा मिलता है। तो मैं स्मार्टफोन की बात करूँ फाइनल रिव्यू की, तो एवरेज बोल सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में और फीचर भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, तो एवरेज बोल सकते हैं, गेमिंग भी आप साथ में कर पाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रो वाली बात अगर आपको चाहिए तो उतना अच्छे से आपको जो फीचर्स है वो नहीं मिलते। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।